हेलो फ्रेंड्स, कल है नवरात्रि की अष्टमी की पूजा और अष्टमी के पूजा में माँ को कुछ लगता है स्पेशल। वो ये हलवा मैंने उस टाइप से बनाया है जैसे आप भंडारे में जो हलवा खाते हो ना, जस्ट उस टाइप से मैंने ये हलवा बनाया है। तो इसमें जैसे हम नॉर्मल सूजी का हलवा बनाते हैं उससे इसकी रेसिपी थोड़ी सी अलग होती है। तो आइए जानते हैं ये हलवा मैंने कैसे बनाया है। इनग्रीडियंट्स सेम ही है बट प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो आइए चलिए मेरे साथ रेडी करते हैं कल के लिए माँ का भोग। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी सूजी के हलवा का प्रोसेस। तो मैंने ये सूजी ली है 1 कप। हमें जो लेना है वो एकदम बारीक वाली सूजी लेनी है। बाजार में 2-3 तरह की सूजी अवेलेबल है तो मैंने यहाँ पे ली है बारीक वाली सूजी। जितना मैंने ली है सूजी उतना ही मैंने लिया है घी। तो जब आपके हलवे का मेजरमेंट जब सही होगा, जब आपके जो हलवा बनाने का मेजरमेंट है जो वो सही होगा तो हलवा एकदम परफेक्ट भंडारे वाले जैसा, जैसे हम नवदुर्गा के जो नवमी के प्रसाद में जो खाते हैं उस तरह का बनेगा। सबसे फर्स्ट ऐड करें घी। जब आप सूजी को भूनेंगे ना तो आपकी गैस की फ्लेम ना वो स्लो ही रहनी चाहिए, वो हार्ड नहीं हो, ज्यादा नहीं हो, इससे सूजी जल जाएगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी और फ्रेंड्स इसे धीमी आंच में ही पकाएंगे। हमारी जो गैस की फ्लेम है वो तेज नहीं होनी चाहिए जिससे हम, नहीं तो हमारी सूजी ना जल जाएगी। ओके, तो हमें इसे मंदी आंच में ही इसे भूनना है। फ्रेंड्स, हम जो भंडारे वाला या प्रसाद का जो हलवा खाते हैं सूजी का और जो नॉर्मल घर में सूजी का हलवा बनता है उसमें उसके टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, तो इसमें मैं कुछ सीक्रेट चीज ऐड करूंगी जिससे हमारे जो प्रसाद का, जो हमारे हलवा का टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जिससे फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारी सूजी का कलर हो गया है थोड़ा सा ब्राउनिश। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं वो सीक्रेट चीज जिससे हमारा जो सूजी का टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा यमी होता है और इसका कलर भी चेंज होता है। तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून बेसन। बेसन डाल के भी आपको कम से कम इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भूनना है। हम देख पा रहे हैं हमारी सूजी का कलर हो गया है चेंज। अब झटपट से हमें एक काम और कर लेना है। यहाँ पे आपको लेना है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 कप पानी, क्योंकि मैंने 1 कप सूजी डाली है तो मैं मेजरमेंट के हिसाब से 3 कप पानी लूंगी एंड पानी में ऐड कर दूंगी इलायची। जब हमारा पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची, तो मैंने ऐड की है। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा घी और साथ में आप अपने जितना मीठा खाते हैं आप उसके अनुसार इसमें ऐड कर दें चीनी। फ्रेंड्स, आप जितना मीठा खाते हो उसी हिसाब से आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो लोग शुगर फ्री खाते हैं वो लोग इसमें शुगर फ्री पाउडर का भी, शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारी सूजी ने घी अलग हो गया है। ओके, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से काजू और इसे थोड़ी देर, मतलब कि 1/2 सेकेंड ही इसे मैं फ्राई करूंगी। अब हमें इसमें धीरे धीरे करके पानी को ऐड कर देना है। पानी डालने के बाद कम से कम हलवे को 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच में ही पकाते रहें। जब तक हमारी जो सूजी में जितना भी घी एब्जर्ब हुआ है ना, जब आपकी सूजी पक जाएगी तो वो जितना भी घी एब्जर्ब हुआ है वो सारा घी छोड़ने लगेगी सूजी। आप चाहे तो इसमें किशमिश, काजू तो मैंने इस्तेमाल किए हैं, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स जो भी है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कल नवरात्रि की अष्टमी है तो काफी सारे घरों में कन्या पूजन होता है जिसके लिए हमें प्रसाद बनाने की जरूरत पड़ती है। और सबसे फेवरेट किसी के घर में आटे का भी हलवा बनता है और कई लोगों के घर में सूजी का भी हलवा बनता है। तो सूजी का हलवा लोग जो बनाते हैं वो इस टाइप से सूजी का हलवा बना सकते हैं जो